ग्रेटर नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक स्विगी डिलीवरी बॉय ने एक होटल रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। कि रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेट आने पर डिलीवरी बॉय को कोसा जाता है, लेकिन डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर लेट होने पर रेस्टोरेंट मालिक को गोली मारकर हत्या कर दी, ये हैरान कर देने वाली बात है। दरअसल ग्रेटर नोएडा कोतवाली बीटा 2 क्षेत्र की मित्रा सोसाइटी में स्थित ऑनलाइन फूड रेस्टोरेंट्स के मालिक की ऑर्डर में देरी होने के कारण हुए विवाद में स्विगी के डिलीवरी बॉय ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा के मित्रा सोसाइटी में सुनील ऑनलाइन फूड डिलीवरी का झमझम के नाम से रेस्टोरेंट चलाता था। ADCP ग्रेटर नोएडा जोन विशाल पांडे ने बताया कि ऑर्डर देने में देरी होने के कारण डिलीवरी बॉय ने रेस्टोरेंट मालिक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंगलवार रात करीब 12:30 बजे ढाबे में काम करने वाले नौकर नारायण और स्विगी के डिलीवरी बॉय के बीच विवाद हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मंगलवार रात स्विगी का डिलीवरी बॉय चिकन बिरयानी और पूरी सब्जी का ऑर्डर लेने आया था। आरोप है कि नशे में धुत डिलीवरी बॉय ने नौकर के साथ एक ऑर्डर में देरी होने के कारण गाली गलौज शुरू कर दी। इस पर रेस्टोरेंट संचालक सुनील मौके पर आ गया और विवाद खत्म करने का प्रयास करने लगा। आरोप है कि अपने एक साथी की मदद से डिलीवरी बॉय ने सुनील के सिर में गोली मार दी, जिससे सुनील मौके पर गिर पड़ा। गोली लगने की जानकारी होते ही नौकर नारायण अपने अन्य साथियों के साथ मालिक सुनील को घायल अवस्था में यथार्थ अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।